यार वहाँ पे ना शिवलिंग बहुत अलग है वहाँ का। ऐसा बोला जाता है कि वो जो मुकुट है वहाँ पे पांडवों के जमाने से। हमारे गाड़ी के सामने से एक चीता गया। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ दिस चैनल। और आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है ट्रैवलिंग के ऊपर। मतलब एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर, तो वहाँ पे जाएंगे, भगवान जी की पूजा करेंगे, उसके ऊपर ये पूरा व्लॉग रहेगा। अभी हम आए गाड़ी में हवा भरने के लिए। मैं रहता हूँ कल्याण में, तो कल्याण से त्र्यंबकेश्वर दूर है कुछ तो 150 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग जा रहे हैं उधर। तो बताते हैं आपको रास्ते में क्या क्या होता है और उधर क्या क्या होता है, तो कीप वॉचिंग। तो फाइनली अभी हम हाईवे पे लगे, तो ये हमारा हाईवे डायरेक्ट नासिक का हाईवे, एकदम सीधा रास्ता है। ओके, तो अभी हम बीच रास्ते में है। एक्चुअली भूख लगी थी इसलिए हम लोग आए इधर खाना खाने। पर यार यहाँ पे देखो पीछे नज़ारा देखो, एकदम जबरदस्त है। तो अभी थोड़ा इधर खाएंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे आगे का रास्ता क्लियर करने। मिसल, तो अभी हमारा खाना खा के हो गया और मिसल पाव मैंने खाई, तो मेरे को मतलब मेरी मिसल पाव है ना बहुत फेवरेट है। मैं किधर भी जाऊँ ना उधर जाके मिसल पाव ही खाता हूँ, इसलिए मेरा पेट इतना फूक गया अभी। और तो मेन बात है कि मिसल पाव ने मुझे एक स्मूच दी यहाँ पे। ये प्यार की निशानी है। तो चलो अभी आगे का रास्ता हम क्लियर करेंगे। थक गए भाई। तो अभी हम कसारा घाट आए, तो व्यू देखो एक नंबर व्यू है। ओके, तो फाइनली हम आ गए त्र्यंबकेश्वर में। एक्चुअली अभी नहीं आए हम लोग, कल रात को आए, कल रात को लेट आए थे इसलिए मैंने व्लॉगिंग वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं किया, डायरेक्ट आए इधर। मैं मेरा ऑफिस का काम कर रहा था, तो अभी हो गई है मॉर्निंग और नहा धो के एकदम रेडी होके अभी जाएंगे हम लोग मंदिर में। तो जैसे कि आपको पता है ये जो त्र्यंबकेश्वर है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, पहली बात, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए पूजा वगैरह करने। तो पूजा वगैरह वहाँ पे चल रही है, मैं यहाँ पे सोया हुआ था क्योंकि नाइट ड्यूटी थी भाई। मैं सुबह 8 बजे सोया, अभी 11 बज रहा है, 3 घंटे सो के अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर में। और हाँ, एक मेन बात आपको बतानी है, कल जब हम आ रहे थे ना यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर पे जब आ रहे थे नासिक से, तो हमको है ना यहाँ पे है ना चीता बहुत है, लेफर्ट जिसको बोलते हो वो बहुत है। एक सुनसान रास्ता था, वन वे ही था एक्चुअली, और जब हम वहां से जा रहे थे तो हमारे गाड़ी के सामने से एक चीता गया। सीरियसली एक चीता गया, मैं और मेरा भाई बैठा था, मतलब मैं ड्राइविंग कर रहा था, मेरा जो भाई है बड़े भैया जो है वो बगल में बैठे थे, तो वो गया था जैसे, हम लोग ऐसे मतलब एक दूसरे को ऐसे देख रहे फॉक सीरियसली क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्सपेक्ट, और वो सामने से गया हमारे भाई। कितना बड़ा था, मतलब उसने एक छलांग में ना पूरा रास्ता क्रॉस कर लिया था, कितना भाई। एक्चुअली वो वाला सीन हो गया, उसके बाद है ना हम लोग मतलब थोड़ी सी फटी थी पर एक्साइटमेंट भी थी कि भाई चीता दिख गया। तो बाद में ना हम लोग उसी रास्ते से आगे आगे जैसे जा रहे थे, पूरा रास्ता वैसे ही था वो वाला, तो हमको चुल थी कि भाई हमको फिर से दिखे, तो इसलिए ना गाड़ी थोड़ा स्लो स्लो जा रहे थे। और एक्चुअली उधर है ना बोर्ड्स वगैरह भी लगाए कि गाड़ी स्लो चलाओ क्योंकि वहाँ पे लेफर्ट्स वगैरह बहुत है, तो जैसे कि हीट नहीं हो कोई वगैरह, लेफर्ट हम नहीं, लेफर्ट हीट नहीं हो, तो इसलिए गाड़ी थोड़ा सा स्लो स्लो सावधानी से चलानी है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा भी नहीं कि आके गाड़ी में ही बैठ जाए वो, पर थोड़ी स्लो चलानी है संभल के। तो उस हिसाब से हम स्लो स्लो चला रहे थे कि शायद यार एक बार दिख जाए हमें, पर नहीं दिखा हमें, एक ही बार दिखा, वो स्टार्टिंग में दिखा जब हमको कुछ आइडिया नहीं था तब हमको दिखा। और एक्चुअली रात का समय था तो मैंने व्लॉगिंग एक्चुअली मेरी बंद कर दी थी, तो इसलिए मैं कैप्चर भी नहीं कर पाया। सीरियसली वो मुझे बहुत दुख है उस बात का कि मैं कैप्चर नहीं कर पाया, पर यार मैंने देखा, सच में देखा, मेरे सामने से गया हो, ऐसा वाला सीन हुआ था। एनीवेज तो हम अभी जा रहे हैं मंदिर में, चेकआउट करना है, इसलिए पूरा ये जो इधर मेस पड़ा हुआ है वो पूरा साफ करना है,
बैग्स वगैरह भरने, उसके बाद बैग्स वगैरह गाड़ी में रख देंगे और जाएंगे हम हमारे शिव जी से मिलने। तो फाइनली हम आ गए त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट। ओके, लाइन तो कुछ है नहीं, फिर भी हमको ये रूट फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे लाइन कितनी भी हो, पर यहाँ पे एक बात अच्छी है कि यहाँ पे आपको बैठने के लिए जगह बनाई है। शुरुआत में मुझे लगा कि यहाँ पे गर्दी नहीं होगी, पर यहाँ पे भाई बहुत ही ज्यादा गर्दी है। मुझे ना एक चीज बहुत ज्यादा खटक रही थी कि भाई लाइन होते हुए भी ये लोग ऊपर से क्यों जा रहे हैं, पर जैसे कि मैं नजदीक गया तब मुझे पता चला कि ये महाशय यहाँ पे सो रहे हैं और इनकी नींद खराब ना हो इसलिए सब ऊपर से जा रहे हैं। चलो, यहाँ हमारा एक नसीब अच्छा हुआ कि हमें भगवान की पालकी देखने मिली। ओके, तो फाइनली हमारा दर्शन हो गया और मैंने यहाँ पे ओम लिखवाया था, वो एक्चुअली निकल गया, मतलब मेरा हाथ बहुत बार लग रहा था इसलिए निकल गया। और जैसे कि आप देख सकते हो यार, बहुत ही औसम, एकदम पॉजिटिविटी भर भर के आ रही है। तू का मधे मधे थे बीच बीच में आ रहा है इसका इंस्टाग्राम अकाउंट बताता हूँ, ये मस्त मस्त रील बनाता है, ये मेरा बड़ा भाई है पूरा मॉन्टेजेस रहते उसके। ओके, मैं आपको है ना नजदीक से दिखाता हूँ, ये देखो पूरा, देखो एकदम पत्थर पे बना है और एकदम डिटेलिंग तो देखो एकदम जबरदस्त है भाई। हाँ, और ये देखो, ये देखो कितने प्यारे दो आती। ओके, तो वो जो है ना वो शिवलिंग का पूरा पानी आ रहा है, वो वाला जो शिवलिंग का पानी है, ये मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है ना उसका सारा पानी वो उधर से निकलता है। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, एक्चुअली सॉरी मॉर्निंग में बताया था कि हमें एक चीता दिखा था, तो वो रास्ता यही था, कल रात को दिखा था हम लोगों को, ये वाला ही रास्ता था और हमको दिखा था। एक्चुअली एग्जैक्ट स्पॉट नहीं पता क्योंकि रास्ता हमारे पहचान का नहीं है। तो घर जाने से पहले हम लोग खाएंगे मिसल। ओके, तो फाइनली हम लोग घर पे आ गए, तो ऑब्वियसली बात है हम आज नहीं आए, हम लोग कल आए थे, पर वीडियो में जो भी है व्लॉग का एंड वो अभी कर रहा हूं। तो वहां पे जाके मुझे एक बात पता चली कि यार वहां पे ना शिवलिंग बहुत अलग है वहां का। नॉर्मली कैसे हम भगवान शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां पे शिवलिंग कैसा रहता है तो वो आपको पता ही है, पर यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे वो अलग है। वो जो शिवलिंग है ना उसके तीन सर है, जो मतलब मुझे वहां पे जाके पता चला, ऑब्वियसली बात है मुझे सब बातें पहले पता नहीं थी, मुझे अभी सभी पता चला वहां पे जाके कि तीन सिर है उस शिवलिंग के। तो एक है भगवान ब्रह्मा, दूसरे है भगवान विष्णु और तीसरे है भगवान रुद्र। तो ऐसा है एक्चुअली वहां पे, और उसके ऊपर जो रहता है ना मुकुट रहता है, मतलब त्रिदेव के स्वरूप में उसको वहां पे रखा गया है। जो आपने देखा ना जिस मुकुट की पालकी चल रही थी वही वाला मुकुट रहता है, और उसको बस मंडे के दिन पे है ना कुछ तो 3 से 4 बजे तक उस एक घंटे के लिए बस उसको है ना उसकी पालकी निकाली जाती है उस मुकुट की। सीरियसली इतिहास बहुत बड़ा है इसके पीछे का। और हाँ, मेन बात ये कि ऐसा बोला जाता है कि वो जो मुकुट है वहां पे पांडव के जमाने से, मतलब सीरियसली कितना मतलब बहुत पहले से यार वो सब चीज है। वहां पे इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी ना, मतलब सही से, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ऐसी जगह पे आए ना तो सीरियसली रिटर्न जाना नहीं है, इतना मस्त फील हो रहा था। पर ठीक है, घर तो वापस आना ही है और अगर इस व्लॉग से न चाहते हुए भी किसी के सेंटिमेंट्स अगर हर्ट हुए रहेंगे तो आई एम रियली रियली सॉरी। और मेन बात, अगर मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताई है आपको वो अगर
गलत रहेगी थोड़ी बहुत तो मुझे कमेंट सेक्शन में सही कर लेना। तो यही था आज के व्लॉग के लिए। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ यार कैसे लगता है आपको मेरा व्लॉग। भाई एक जो था ना गणपति का, 1,00,000 व्यू हो गए। मस्त मस्त पब्लिक है यार, सीरियसली यार, और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, बहुत बढ़ा दो, मिलियन में बढ़ा दो जल्दी से। मेरे फॉलोअर्स भी जो सब्सक्राइबर है ना वो भी बढ़ा दो 1,00,000 तक, तो ठीक है। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब करो। अभी तो कितना 3,000 तक आने वाला है मेरा सब्सक्राइबर जो भी है, 3,000 तक जाने वाले, तो यार इसको बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि मतलब फेमस कर दो मेरे को। कर दो, कर दोगे आप मेरे को पता है। तो चलो इतना ही था आज के ब्लॉग के लिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।